इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 7। अभी हमने अब तक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला आया था वो क्या था, के Q1 Q2 बाई R है ना। उसमें आपको Q1 Q2 जो है वो साइन के साथ रखना है। उसके बाद हमने जो सीखा था वो था कि कोई भी सिस्टम बनानी है ना, 2-4 सिस्टम और 3-4 सिस्टम, उसके लेकर हमने 2 न्यूमेरिकल भी किए है। अब आगे देखिए कि अब हम बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ना, सॉल्व एग्जांपल लिए है ना, एक साथ फिर एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.4, ठीक है, पेज नंबर बता देता हूँ 63 आपको बुक में देखना है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना, पूरा लिखता नहीं हूँ। तो आपको जो मिल जाएगा क्वेश्चन पेज नंबर 63 के ऊपर है। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड डी, है ना, एक स्क्वायर कॉर्नर है और उसकी साइड है आपकी डी, शोन इन फिगर, है ना, फिगर बना देते हैं। ABCD यहाँ पर आपको चार दिया गया है प्लस क्यू, यहाँ पर आपको गिवन है माइनस क्यू, यहाँ पर गिवन है प्लस क्यू और यहाँ पर गिवन है आपको माइनस क्यू। ऐसे एक सिस्टम बनाई हुई है, उसकी जो वैल्यू है साइड की वो आपको गिवन है डेटा में डी। तो आपको पूछा गया है कि फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट एंड अनदर क्वेश्चन इज अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर, और इसके लिए आपको कितना वर्क डन मिलेगा, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस, है ना। ये सिस्टम के बीच में हम लास्ट में क्यू नॉट चार्ज लाएंगे तो वो कितना वर्क डन होता है वो पूछा है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये सिस्टम बनाने के लिए हमें टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, है ना, टोटल वर्क डन कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने बात की थी 2-4 सिस्टम और 3-4 सिस्टम में, वैसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये चार्ज भूल जाओ, BCD है ना, तीनों चार्ज भूल जाओ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए के ऊपर जो चार्ज है प्लस क्यू उसको लाते हैं, कहां से लाते हैं, इनफाइनाइट से। तो जैसे इनफाइनाइट से प्लस क्यू चार्ज लाएंगे तो सबसे पहले उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज लाने के लिए हमें जो वर्क डन मिलेगा तो W1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा 0। तो फर्स्ट वर्क डन जो है आपका वो क्या हो जाएगा 0। अब सेकंड क्या करते हैं कि दूसरा चार्ज लाते हैं माइनस क्यू, जैसे ही माइनस क्यू चार्ज लाएंगे तो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो सेकंड वर्क डन आएगा W2 इज गिवन बाय, वो कौन सा होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या लिखा जाता है, के Q1 Q2 बाय R, है ना। तो वैसे ही सॉल्व कर देते हैं, चलिए के Q1 मतलब क्यू, Q2 मतलब माइनस क्यू, अपॉन R मतलब यहाँ पर डिस्टेंस आपका डी है। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के Q2 बाय डी। तो ये आपका हो गया वर्क डन 2। तो आपको वर्क डन 2 मिल जाएगा यहाँ पर। वैसे ही हम अगर मान लो कि प्लस क्यू लेकर आते तो प्लस क्यू जैसे ही लाएंगे तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम अब तक बन चुके हैं, ये चार्ज जनरेट हो चुका है और ये चार्ज जनरेट हो चुका है, उसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। तो जैसे ही प्लस क्यू चार्ज लाएंगे तो इसके अगेंस्ट और इसके ए और बी पर जो चार्ज आ चुका है अब तक उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो बी से जो सी की दूरी है वो तो ऑलरेडी गिवन है साइड डी, और ए से सी की दूरी मेजर करनी है तो पाइथागोरस यूज कर लिए, d2 + d2 = x2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका √2d, है ना, जैसे पाइथागोरस आप अप्लाई करेंगे एबीसी में तो आपका आंसर जाएगा √2d। तो वर्क 3 लिखा जाएगा। तो थर्ड वर्क डन मतलब क्यू को यहाँ लाने पर इसके अगेंस्ट प्लस क्यू के अगेंस्ट और माइनस क्यू के अगेंस्ट दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो माइनस क्यू के अगेंस्ट जो वर्क लिखा जाता है तो के Q1 मतलब क्यू, Q2 मतलब माइनस क्यू, अपॉन R मतलब डी। चलिए प्लस क्यू के अगेंस्ट के Q1 मतलब Q, Q2 मतलब प्लस क्यू, अपॉन R मतलब √2d। तो ये हो गया आपका। चलिए वर्क 4 लिखा जाता है ना। अब 3 चार्ज की सिस्टम बन गई, अब क्या करते हैं 4 चार्ज लेकर आते हैं। तो 4 चार्ज जैसे ही लाएंगे माइनस क्यू, तो माइनस क्यू को किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू तीनों की वजह से वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क 4 लिखा जाएगा, चलिए प्लस क्यू की वजह से तो उसके लिए कितनी है आपको डेटा में डी, सी से दूरी कितनी है आपके डेटा में गिवन है डी, साइड ऑफ डी है, और यहाँ से डी से और बी की दूरी वो भी कितनी हो जाएगी आपकी √2, पाइथागोरस यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले
जैसे ही आप माइनस क्यू लाते हैं तो प्लस क्यू की वजह से वर्क डन, के क्यू वन मतलब प्लस क्यू, क्यू टू मतलब माइनस क्यू अपॉन आर मतलब डी, वैसे ही ये प्लस क्यू की वजह से फिर से लिखा जाएगा प्लस के क्यू वन मतलब ये क्यू, क्यू टू मतलब ये माइनस क्यू अपॉन डी। तो चलिए ये हो गया। अब तीसरे की वजह से बाकी रह गया बी पर जो रखा हुआ है, तो माइनस क्यू रखा हुआ है तो ये भी माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू, तो लिखा जाएगा प्लस के, ये हो गया आपका माइनस क्यू, ये भी चार्ज है आपका माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू अपॉन रूट टू डी, यानी डिस्टेंस देखो ध्यान से डी और बी के बीच में रूट टू डी है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क डन। तो आपको जैसे टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 है ना, चारों को मिला देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये न्यूमेरिकल जो है आपका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना बोर्ड के लिए। चार मार्क का जो क्वेश्चन अगर पूछा जाए सेकंड चैप्टर में, सोचो यही है जो मैक्सिमम टाइम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे। तो आपको क्या करना है, चारों को समीशन करना है, उसको सिंप्लीफाई करके आप चेक कर लीजिए ना, बुक का आंसर आप अपने आप मैच कर लीजिए। तो ये हो गई टोटल वर्क डन की सिस्टम। अब उसने एक और क्वेश्चन पूछा था कि सेंटर पर अगर क्यू नॉट चार्ज लाया जाए बाहर से, कहां पर लाना है मुझे, सेंटर पर, तो वर्क डन कितना होगा, ऐसा पूछा है। इन्फाइनाइट या कहीं से भी कोई भी पॉइंट से हम क्यू चार्ज क्यू नॉट चार्ज लेकर आते हैं, उसको मुझे इस सिस्टम के बीच में सेंटर पर रखना है, तो सेंटर पर रखने पर वर्क डन कितना होता है वो पूछा गया है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, और ये क्यू कौन सा होता है आपका, जो चार्ज लाया जाता है, और वी का मतलब जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उस पर। तो वी के बदले में क्या लिखूंगा, वी नेट मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी नेट डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब यहाँ पर सेंटर पर वी नॉट कितना है ना, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते छोटा सा, देखिए ध्यान से। अब सेंटर पर वी नेट कितना है, तो वी जो है पोटेंशियल आपका वो स्केलर क्वांटिटी है, तो केक्यू बाई आर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए की वजह से यहाँ पर इसकी दूरी में आर मान लेता हूँ, है ना, ये पॉइंट से सेंटर की दूरी कॉर्नर से, तो सभी के लिए आर हो जाएगी ना, सभी के लिए आप ये दूरी जो हो जाएगी वो आर कितनी हो जाएगी सभी पॉइंट से देखेंगे, है ना। तो मिनट ऐसा लिखा जाएगा के क्यू बाई आर, यहाँ से माइनस है तो माइनस के क्यू बाई आर, यहाँ से फिर से प्लस के क्यू बाई आर, यहाँ से फिर से माइनस के क्यू बाई आर, तो आपका विनेट कितना हो गया जीरो। तो विनेट की वैल्यू जीरो मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट, तो आपका वर्क डन कितना हो गया जीरो। तो सेंटर पर कोई भी चार्ज लगी है तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फोर मार्क के लिए, तो याद रखिए ध्यान से कीजिए और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए कैसे सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं पर भी अटैक नंबर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, मैथ्स आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4, उसके बाद लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5, ठीक है। हमने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड ही एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2.5। एग्जाम्पल नंबर 2.5, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ टू चार्ज 7 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर एंड +9 सेंटीमीटर, ऐसा गिवन है डेटा। तो आप देखिए ध्यान से कि दो चार्जेस गिवन है, शॉर्ट में लिख देता हूँ 7 माइक्रोकुलम एंड दूसरा जो चार्ज है -2 माइक्रोकुलम। तो जैसे उसको पुट किया गया है, इसको पॉइंट मान लेते हैं ए या फिर एक्स वाई मान लेते हैं। एक्स वाई इसलिए माना है क्योंकि बीच में कई बार ए दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, तो ए का यहाँ पर यूज हो रहा है कैपिटल ए का, तो ए और बी नहीं मान रहे, एक्स और वाई मान लेते हैं।
7 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ माइनस 9 सेंटीमीटर, ऐसे डेटा मैंने बताया था, माइनस 9 सेंटीमीटर 0.0 एंड जो दूसरा चार्ज रखा है आपने 9 सेंटीमीटर 0.0 है ना, तो सेंटर से माना जाता है दोनों साइड, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस हो गया ये दोनों चार्ज के बीच में वो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, तो आपके दोनों के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, ठीक है, तीन क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो पहले क्वेश्चन में दिया है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, उससे पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल किया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक, इसमें निकालेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका इक्वेशन हमें पता है कि Q1 Q2 r है ना। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं, k k मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू 9, चलिए Q1 मतलब 7 माइक्रोकूलम मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू माइनस 6, Q2 मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 डिवाइड बाय r, r डिस्टेंस कितना है आपका 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू माइनस 2 है ना। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.7 जूल, है ना, कैलकुलेटर में सॉल्व कर दिए डायरेक्ट, तो इसका आ जाता है आंसर आपका माइनस 0.7 जूल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तीन क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे है, तो जो तीसरा है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड तो आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इनफाइनाइट अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, ये भी हम ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल आपको करवाया था, याद कीजिए उसके अगले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिए ध्यान से कि दो न्यूमेरिकल करवाए थे, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, उसके बाद हमने देखा था कि दो चार्ज रखे हुए थे और दूसरे चार्ज को हम नजदीक ला रहे थे, तो नजदीक लाने पर कितना वर्क डन होता है वो पूछा गया था। तो वैसे ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, तो मतलब ये जो सिस्टम है उसको मुझे क्या करना है, इनफाइनाइट ले जाना है। और एक चीज हम सीखे थे कि जैसे कोई भी सिस्टम इनफाइनाइट जाती है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर हम क्या मानते हैं, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वही क्या होता है आपका वर्क डन, और चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल मतलब इनफाइनाइट पर क्या है जीरो, और इनिशियल मतलब ये सिस्टम की एनर्जी जिसकी वैल्यू है आपकी माइनस 0.70, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया तो 0.70, तो इतना वर्क डन होगा जब आप दोनों सिस्टम को मतलब ये चार्ज वाले सिस्टम को आप यहाँ पर कितना सेपरेट कर देंगे, इनफाइनाइट लेवल तक आप सेपरेट कर देंगे। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है बोर्ड के रिलेटेड, ठीक है, तो ये भी ध्यान से कीजिए, दो हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसे ये थोड़ा मतलब समझने के लिए, बाकी दोनों तो आसान थे, एक ही फॉर्मूला रखने पर वो आंसर आ जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया इसमें कि द म्यूचुअल इंट्रैक्शन सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अब ये सिस्टम को उठाकर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं जिसकी वैल्यू है a डिवाइड बाय 1 बाय r स्क्वायर, और जहां पर a की वैल्यू आपको गिवन है, a की वैल्यू है आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये डेटा आपको गिवन है। अब उसने क्या पूछा है कि प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी, है ना, अब ये सिस्टम को पूरी उठाकर जैसे ही हम कहां पर रख देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पूरी अब सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चार्ज को ले आएंगे, फिर दूसरे चार्ज को, और फिर उनका म्यूचुअल इंट्रैक्शन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही ये पूरी सिस्टम को जैसे ले आएंगे तो होगा क्या, इसको मान लेते हैं मैं Q1, ये चार्ज को नाम दे देते हैं Q2, और सेंटर से उसकी दूरी हो जाएगी आपकी यहां से 9 सेंटीमीटर और यहां से 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर को हम R1 नाम दे देते हैं, ये 9 सेंटीमीटर को हम R2 नाम दे देते हैं सेंटर से। अब जैसे ही हम 7 माइक्रोकूलम लेकर आएंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो भी वर्क डन होगा वो भी किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, तो चलिए उसको भी लेकर आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा है ना कितना दूर लाना है, 9 सेंटीमीटर दूर। तो देखिए चलो, तो सबसे पहले जो वर्क डन होगा आपका वो कैसे कैलकुलेट किया जाए,
चलिए तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास है क्यू इंटू वी, है ना। तो क्यू कौन सा, जो चार्ज लाया जाता है, और वी कौन सा, तो वी के बारे में हमें पता नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल नहीं गिवन है, तो यहाँ पर क्या डेटा में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल का और भी एक फॉर्मूला था, तो वी को हम लिख सकते थे ई इंटू आर, है ना, ई इंटू आर, ई आर लिख सकते थे। चलिए तो क्यू इंटू ई आर, तो चलिए क्यू ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ई की वैल्यू कितनी है ए बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो बचा गया आपके पास क्यू ए डिवाइड बाई आर, तो ये वर्क डन होगा, ठीक है नॉर्मल। चलो ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया, अब इसको वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लाते हैं क्यू वन, उसके बाद क्यू टू लाते हैं, और दोनों की म्यूचुअल इंट्रेक्शन एनर्जी है वो तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो म्यूचुअल इंट्रेक्शन एनर्जी थी आपकी वो कितनी थी आपकी 0.7 जूल, है ना, माइनस, ये ऑलरेडी हम सबसे पहले निकाल चुके हैं, जब ये दोनों चार्ज कंबाइन होंगे ना ऐसे सिस्टम बनेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो 0.7 जूल बची हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये चार्ज लाएंगे, तो उसके लिए आपका जो वर्क डन होगा, तो डब्ल्यू वन, चलो पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, यू वन प्लस यू टू प्लस म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो दोनों को मिलाने के बाद जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी फिल्ट कर रही है वो लिखी जाती है। तो U1 मतलब यहां पर देखिए जैसे Q1 A डिवाइड बाई R1 प्लस Q2 A डिवाइड बाई R2, यहां से लिया वर्क डन आपकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, तो Q1 A तो कांस्टेंट है, देखिए जैसे A की वैल्यू कांस्टेंट गिवन है, प्लस म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी डेटा में गिवन है माइनस 0.7 जूल, मतलब ये ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में निकाल दी है। तो Q1 के बदले क्या लिखा जाएगा 7 माइक्रोकूलम 7 मल्टीप्लाई बाय 10^-6, A की वैल्यू आपको गिवन है 9 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 डिवाइड बाय R1, R मतलब कितना है आपका 9 सेंटीमीटर, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10^-2, प्लस Q2 के बदले क्या लिखा जाएगा -2 माइक्रोकूलम मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय 10^-6 इंटू A, A के बदले क्या लिखा जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 डिवाइड बाई आर के बदले फिर से 9 मल्टीप्लाई बाई 10^-2 माइनस 0.7, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला है तो थोड़ा समझने की जरूरत है, बाकी फर्स्ट दो आपके आसान क्वेश्चन थे।